शिवान बसीन एंड वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर चैनल द इन्वेस्टरोलॉजी। आज की बात करते हैं। देखिए, मंडे को मार्केट ओपन होने वाली है एंड नवंबर का ये थर्ड वीक है, ठीक है। सो थर्ड वीक में अब किस तरीके से ट्रेड लेना है और मार्केट में ना कुछ चेंजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी करूँ, जैसे हम बॉन्ड यील्ड्स को देखते हैं, डॉलर इंडेक्स को देखते हैं, तो वहाँ पर ना कुछ इस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है कि जो अभी मार्च में हमें देखने को मिल रही थी ना, जब कोविड स्टार्ट हुआ था और एक बहुत शार्प फॉल आया था, ऑलमोस्ट जब 7500 का लेवल टेस्ट हुआ था, एग्जैक्टली वो DXY और जो इंडिया विक्स है वो लेवल्स को क्रॉस करने वाला है एंड वहाँ पे फिर हम लोग एग्जैक्टली वैसा मोमेंटम देख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि वैसे करेक्शन या क्रैश आ सकता है, बट हम लोगों को थोड़ा सा स्टेबल रहना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को ना निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कुछ क्रूशियल लेवल बताने वाला हूँ एंड जब तक वो लेवल ब्रेक ना हो ना, तब तक आप लोग प्लीज बाय मत करिएगा, बिकॉज यहाँ पर टर्न अराउंड होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है और ब्रेकआउट के, फॉल्स ब्रेकआउट के एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। सो इस बात को याद रखना है, तो कुछ हार्ड लेवल्स होने वाले हैं आज के निफ्टी बैंक निफ्टी में, उन लोगों को ध्यान से समझना, उन लोगों के बेसिस पे ही ट्रेड करना। अदरवाइज स्टॉक्स रिकमेंडेशन तो आपको मिल रही है, स्टॉक स्पेसिफिक आप लोग जरूर रहना। एंड गाइज, इसके अलावा मैं ट्विटर पे अब थोड़ा बहुत एक्टिव होने वाला हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं ऑलरेडी एक्टिव हूँ एंड लिंक्डइन में भी मैं अब एक्टिव होने वाला हूँ। सो ट्विटर पे मैंने क्या स्टार्ट कर रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को एक चैलेंज प्रोवाइड करवाने वाला हूँ जिसमें ऐसा गेम होगा जिसमें मैं आप लोगों को ना एक चार्ट शेयर करूंगा, उसके बारे में सारी डिटेल्स लिखी होंगी, बट वहां पर चार्ट का नाम नहीं होगा। सो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना होगा कि वो चार्ट कौन सा है एंड गेस करना पड़ेगा, एंड जो लोग भी गेस करता है तो उसको फिर एक स्पेशल सरप्राइज हमारी तरफ से मिलेगा। सो इस तरीके से पूरा है, अभी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो जैसे ही आप लोगों को पहली पोस्ट मिलेगी टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा एंड उसके बाद सारी चीजें कंटिन्यूअस बेसिस पे चलेंगी, ठीक है। सो कल मैं लाइव आने वाला हूँ पहली बार यूट्यूब पे, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, वहां पर आप लोगों को मैं गाइड कर दूंगा कैसी मार्केट रिएक्ट करने वाली है और किसके बेसिस पे काम करना। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो के अंदर और देखते हैं कि मंडे को किस तरीके से परफॉर्मेंस करनी है और FIIs क्या कर रहे हैं। चलते हैं। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। तो सबसे पहला स्टॉक है TCS एंड TCS पे अगर आपको मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया तो आप लोग क्लियर बेसिस पे समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये एक एज अ स्विंग ट्रेड बन सकता है, बट अभी हम लोग इसको ज्यादा बढ़िया तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे। एक कल की अपमूव या परसों एक दो दिन के अंदर कोई अपमूव एक स्ट्रॉन्ग चाहिए तो हम लोगों को IT सेक्टर के अंदर और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। सो लेट मी शो यू। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई हम लोगों ने, एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया था एग्जैक्टली एट दिस लेवल के पास और उसके बाद एक बहुत बढ़िया रैली हम लोगों को देखने को मिली है। वहां पर इट क्रिएटेड अ डबल टॉप टाइप ऑफ सिनेरियो, दोबारा नीचे आया। अब इस लेवल पे एग्जैक्टली इसने रीटेस्ट करा, इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था एग्जैक्टली वहां पर रीटेस्ट करा एंड अब आप देख सकते हैं यहां पर ये कंसोलिडेट हो रहा है आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड फॉल। गैप डाउन के बाद कंटिन्यूस फॉल आती रही, अब यहां पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन जोन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, जब ब्रेकआउट आएगा सस्टेन करेगा तो ही ट्रेड करना है, ठीक है। सो एक बार हम लोग चलते हैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, सो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं अपने एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल से ये बाउंस करा है, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब यहां पर हम लोगों को ये चीज देखनी है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे इट क्रिएटेड एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप देख रहे हैं ये शोल्डर है, ये हेड है एंड ये सेकेंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न अपने लोस पे क्रिएट कर रहा है, तो यानी कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही क्रिएट कर रहा है एंड डेफिनेटली अगर इसका एक ब्रेकआउट होता है तो ये अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। सो लेट मी टेल यू अबाउट द लेवल्स एज वेल, ये लेवल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक पर्टिकुलर आराम से और इजीली आ सकता है, बट इसके बीच में कुछ हर्डल्स और देखने को मिलेंगे। वो हर्डल्स कैसे हो सकते हैं, ये जो आप लेफ्ट राइट शोल्डर देख रहे हैं जहां से ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होगा, जो ये शोल्डर का डिफरेंस है, मतलब जितना बड़ा ये शोल्डर है उतना बड़ा ही हम अपना टारगेट एक्सपेक्ट करके चलेंगे। सो आई थिंक जो टारगेट्स पॉसिबली आ सकते हैं वो एग्जैक्टली एट दिस लेवल पे आ सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, इस लेवल पे। सो यानी कि अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है और 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है और ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं, सो डेफिनेटली एक अपमूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ये टारगेट है 3620 के आसपास, जहाँ पर एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जब इसका ब्रेकआउट देगा तो ये टारगेट है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो ईजिली आ सकता है। अब तीसरी चीज, क्या बीच में और कोई हर्डल है इसके बीच में,
यस डेफिनेटली एक हर्डल और आ सकता है, वो कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा एग्जैक्टली अपने बॉटम से एक ऊपर गया, ये वीडियो जो मैं आप लोगों के सामने स्टॉक रिकमेंडेशन की गाइस बनाते रहता हूँ, ये सिर्फ स्टॉक्स देने के लिए नहीं होते हैं, आप लोगों को एक एक स्टॉक के अंदर कैसा बिहेवियर होता है, कैसी साइकोलॉजी वर्क करती है, कैसे सारा काम कर रहे हैं ए टू जेड एक्सप्लेन करा जाता है। सो अगर आप लोगों को हर वीडियो पसंद आ रही है, हर कंसेप्ट ए टू जेड समझ में आ रहा है, सो प्लीज लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स एम की 1 लाख सब्सक्राइबर्स हम लोग क्रॉस कर पाए। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड चीज जहां पर एक हर्डल पॉसिबली आ सकती है। एक बहुत बड़ी अपमूव आई, उसके बाद इसने एक वो रिट्रेसमेंट लिया एंड दोबारा एक मूव दे रहा है। सो यू नो कि अगर हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे तो पॉसिबल जो हम लोग एक हर्डल फेस कर सकते हैं वो एग्जैक्टली एट दिस लेवल कर सकते हैं, जो कि 1.618 का है। सो अगर हम लोग इसके ऊपर बाय करते हैं तो डेफिनेटली 1.635 लेवल एक इंट्रा डे में हर्डल का काम कर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एंड मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सो अगर मैं जूम कर रहा हूँ, जैसे मैंने जूम करा आप देख रहे हैं ना, ये पहले भी इसका एक हर्डल था, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेलिंग प्रेशर भी आई थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। अब आपने देखा मैंने इस पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे ट्रेंड लाइन नहीं बनाई, मैंने बनाया जो एक्चुअल में वर्क करती है एंड हम लोगों को अपने आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल गया। सो ये होता है मार्केट की साइकोलॉजी और स्टॉक्स की साइकोलॉजी को समझने का तरीका। अगर आप एक एक स्टॉक या एक एक चार्ट की साइकोलॉजी को समझ जाओगे, ह्यूमन साइकोलॉजी कि जो लोग बात करते रहते हैं कि आपको फियर है, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आप लूज कर देते हो, आपको हल्का सा डर लगने लगता है जैसे स्टॉक नीचे जा रहा होता है, क्वांटिटी का नहीं पता होता, ये सारी चीजें सेकंड बात दूसरी बात आती है। सबसे पहले आपको स्टॉक की साइकोलॉजी समझनी है स्टॉक को एंटर करने के लिए या उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसी तरीके से मैं एक वेबिनार कंडक्ट करवाने वाला हूँ एक पैटर्न के ऊपर जो मैंने जिंदगी में सबसे पहली बार सीखा था जब मैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एंटर करा था, एंड उसके इस तरीके से मैंने उसको डिवाइड करा, उस तरीके से उसको डिजाइन करा हुआ है जो पूरे यूट्यूब एंड गूगल आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता विद स्ट्रॉन्ग स्टॉक और पैटर्न साइकोलॉजी। सो इसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा फ्यूचर में जब वो आएगा। तो ये था हमारा सबसे पहला स्टॉक, अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। सो गाइज मेरा सेकेंड स्टॉक है तिरुमलाई केमिकल्स। तिरुमलाई केमिकल्स पर अगर आप देखेंगे तो फोकस ऑन दिस रेड लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है आप देख सकते हैं, ये जो टॉप था ये पहले लाइफ टाइम हाई क्रिएट हुआ करता था, तो ये लेवल था एग्जैक्टली 238 रुपीज का जो कि 2018 जनवरी में बना था, एंड उसके बाद इट क्रिएटेड अ वेरी गुड डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो और एक बहुत शार्प फॉल आया था एंड ऑलमोस्ट 280 के लेवल से 30 रुपीज तक का एक फॉल हमें देखने को मिला था। आफ्टर दैट अगर आप इस चीज को ध्यान से समझोगे तो आपको देखने को मिल रहा है एक राउंडिंग बॉटम है, मतलब राउंडिंग बॉटम क्रिएट हुआ और फिर बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। तो अब अगर इसने ब्रेकआउट दिया है तो गाइस डेफिनेटली, और मैं आपको बता देता हूं जब ये राउंडिंग बॉटम बनता है ना तो इसका जो डिफरेंस होता है, यानी कि अगर मैं आपको दिखाता हूं ये टॉप था एंड ये बॉटम था, तो यानी कि इसका जो हाफ होता है मिड पॉइंट जो होता है एग्जैक्टली उतनी बड़ी अपमूव ये बहुत ईजिली दिखा देता है अगर ब्रेकआउट रीटेस्ट करके ऊपर चले जाता है, तो यानी कि इतनी बड़ी मूवमेंट तो हम लोग बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड इसके बाद आती है देखिए एग्जैक्टली अपने 50% तक आने ही वाला था और उसके बाद एक फॉल आ गया। सो गाइस इस चीज को याद रखना है कि अगर अब यहाँ से रिवर्स कर गया ये तो ये इसका 100% वाला जो था उसको कवर कर लेगा। सो ये बहुत रेयरली बहुत रेयरली टारगेट्स अचीव होते हैं और बहुत रेयरली राउंडिंग बॉटम लॉन्गर टाइम फ्रेम में बनते हैं, बट डेफिनेटली ये हमें अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब दूसरी बात, ब्रेकआउट हो गया, इट्स वेरी गुड कि ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया, बट आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट ये डेफिनेटली देख रहे हैं सस्टेनेबली ऊपर जा रहा था एंड आफ्टर दैट आप देखिएगा एक फॉल आया, दोबारा ऊपर गया, पुल बैक दिया है एंड अगेन फॉल आया, यानी कि अब एग्जैक्टली अपने सपोर्ट लेवल को जो पहले इसके लिए एक रेजिस्टेंस हुआ करता था अब वहां पर इसने पॉज लिया, एक शार्प कैंडल बनाई, बहुत ज्यादा शार्प कैंडल बनाई, वॉल्यूम्स अच्छे से इंक्रीज करे, लेट्स चेक वॉल्यूम्स, तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम्स अच्छे से इंक्रीज करे एंड उसके बाद दोबारा नीचे आना स्टार्ट। अब यहां पर आपको समझना है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि शायद ये और नीचे जा सकता है, बट गाइज यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को बाय करने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली अगर कल एक गैप डाउन ओपनिंग होती है 3-4-5 रुपए की तो और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को बाय करने के लिए। कैसे, अब आप यहां पर समझेगा, मैं एक बार आप लोगों के सामने ना RSI को रिमूव कर देता हूं एंड सिर्फ हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम्स की। सो वॉल्यूम्स को अगर आप लोग चेक करोगे किस तरीके से हमें बता रहे हैं, सबसे पहले एक बहुत ज्यादा शार्प फॉल आई, वॉल्यूम्स आप देख रहे हो इंक्रीज करें,
आफ्टर दैट यहाँ पर आप देख रहे हैं कंसोलिडेट हुआ, मतलब वॉल्यूम बहुत तेजी से गिरे, यहाँ पर कोई भी उसके अंदर नहीं था। एंड आफ्टर दैट बहुत तेजी से एक बड़ी कैंडल बनी एंड वॉल्यूम्स इंक्रीज करें। दूसरी बात, ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं इनडिसाइसिव कैंडल थी, बट वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 50% तक थे जो प्रीवियस कैंडल के थे, और प्रीवियस कैंडल के 50% तक कैंडल ही बनी भी नहीं थी। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग एक चीज को समझने में आ रहे हैं कि वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट ये जो छोटी मोटी कैंडल्स आप देख रहे हैं ना जहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में बड़े इन्वेस्टर्स लोग बाय कर रहे हैं। सो आई थिंक यहाँ पर एक राइट टाइम है, आप लोगों को एक ऐसा माइंड सेटअप दिखाया जाएगा इस चार्ट सेटअप के अंदर। अगर आप लोग साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे होगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक वर्डिंग आ रही होगी, यार यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं करते हैं, जब ये इस बॉटम पे आएगा तो ट्रेड करेंगे एंड आफ्टर अ ब्रेकआउट। सो इस बात को याद रखना है कि लोग इस लेवल्स पे बाय बना रहे हैं, इट्स अ परफेक्ट सेटअप, आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। कल कोई डिप आती है डेफिनेटली गो फॉर अ बाय एंड वहां पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है एंड फाइनली ये ब्रेकआउट दे सकता है। इतनी बात याद रखना, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा ना तो इस लेवल पे ब्रेकआउट देगा। एंड क्या होगा, आप इस लेवल पे ब्रेकआउट पे बाय बनाओगे, यहाँ पर एक सबसे बड़ा हर्डल है ना, ये देख रहे हैं सबसे बड़ा हर्डल ये है, इस हर्डल पे ऊपर जाएगा, आपने सोचा ब्रेकआउट आ गया, गो फॉर अ बाय एंड यहाँ से दोबारा नीचे आएगा। जब यहाँ से नीचे आएगा और आपके इन बिटवीन के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तब एक एक्चुअल बड़ी कैंडल बनेगी और ये एक अपमूव की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर इस वाले स्टॉक्स में ना इस तरीके से ट्रैप करा जाता है, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ट्रैप करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सेटअप्स, उनके पास ट्रेंड टेक्निकल एनालिस्ट हैं, तो उन्हें पता है कि भाई आप लोग क्या सोच रहे हो। उन्हें पता नहीं होगा कि आपने ये ट्रेंड लाइन बना नहीं रखी होगी, आपको ये पता नहीं होगा। सो आपके बिहेवियर के साथ वो खेलते हैं, आपके साइकोलॉजी के साथ वो प्ले करते हैं। एंड जब आप अपने स्टॉप लॉस से इसको हिट करते हो और उन्हें एक प्रेस प्राइज मिलता है, वो एग्जैक्टली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इस साइकोलॉजी के लिए बेसिस में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ आने वाले मेरे वेबिनार्स पे, सो डोंट वरी, कीप अप विद मी। सो अब फाइनली मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ट्रेड लेना, आफ्टर अ वेरी गुड गैप डाउन अगर कल खुलता है तो ट्रेड ले लेना, अदरवाइज अगर यहाँ पर आपको मिलता है सो प्लीज पोजीशन को एग्जिट मत करना। दो तरीके से आप लोग ट्रेड ले सकते हो, अगर कल नीचे खुलता है 100 शेयर बाय करना चाहते हो ना इसके, तो 50 शेयर बाय कर लेना। 50 शेयर तब बाय करना जब इस जोन के ऊपर एक कैंडल क्लोज दे दे पूरे दिन की, जब एक कैंडल डेली कैंडल क्लोज दे देगी ना तो 50% क्वांटिटीज और एड ऑन कर लेना, आपका जो एवरेज आएगा वो अराउंड इसी रेड लाइन पे आएगा। ठीक है, और एक्चुअल में सबको इस रेड लाइन पे ही बाय करना चाहिए, बट ऑन अ प्ले टू सेफ साइड, तभी मैं कह रहा हूँ कि नीचे बाय करना कि एवरेज प्राइस वहां पर आ जाए। ठीक है, सो इस तरीके से प्ले करते हैं। ये था हमारा दूसरा स्टॉक तिरुमलाई केमिकल्स, एंड बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। सो हमारा लास्ट स्टॉक है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट पे अगर मैं आपको बताऊं ये स्टॉक क्या करता है एक्चुअल में, अगर एक रेंज के अंदर ये काम कर रहा है ना, अगर अपने प्रीवियस हाइज को भी ब्रेक कर रहा है तो एक बड़ी कैंडल बनती है, एंड आफ्टर बड़ी कैंडल बनने के बाद ना ये एक रेंज के अंदर चले जाता है, यानी कि अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता एंड कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देता है अपने सपोर्ट में आने के लिए, एंड उसके बाद एक रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में पास्ट में बहुत बार हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन यू। आप देख सकते हैं ये एक रेंज कंसोलिडेटेड था, इसका इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद बहुत टाइम कंसोलिडेट करता रहा एंड सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। इसके अलावा ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसने बहुत बड़ी कैंडल बनाई, फिर बहुत टाइम कंसोलिडेट करता है एंड फाइनली फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया। सेम गोज विद हियर, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट करा, फिर एक फाइनली मूवमेंट आई। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब आप देख सकते हैं इसने बहुत क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है एंड अभी तक उसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। सो आई पर्सनली थिंक ये एक अच्छी मोमेंटम दिखा सकता है, थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा कि इसी के आसपास थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, बट आप लोग यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और जेके सीमेंट तो है भी बहुत अच्छा, तो सीमेंट सेक्टर में अगर आपको बाय करना है कोई भी स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑल्सो और 3-6 महीने के पर्पज के लिए भी, तो ये स्टॉक आप लोगों के लिए अच्छा है। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, जुलाई के एंड से कंसोलिडेट कर रहा था और फाइनली ब्रेकआउट आया। कंसोलिडेशन की मैं बात करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा बढ़िया कंसोलिडेशन लग नहीं रहा, और अपने बॉटम से एक स्ट्रेट मूवमेंट में ब्रेकआउट दिया तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो बट हमें थोड़ा बहुत बिट कॉशियस रहना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस के नीचे आपको एग्जिट कर लेना है, बट एक साथ पूरी क्वांटिटीज एट दिस पर्टिकुलर लेवल बाय मत करना। ठीक है, शायद ये एक डिप दे सकता है तो उस डिप में भी हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो मेनली जो मेरा स्टॉप लॉस है, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म या 6 महीने के पर्पस इसको रखना चाहते हैं तो आपको ये स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 3284 रुपीज का। ठीक है, बिकॉज ये शार्प अपमूव देने के बाद ऑलमोस्ट ये 50% तक इजिली आ सकता है, और 50% पे डिप लगाने के बाद एक अपमूव दे सकता है,
सो डेफिनेटली हमें इतना सा स्टॉप लॉस चाहिए होगा, बट वी आर नॉट श्योर कि ये 50% तक डेफिनेटली आएगा, वी आर रिज्यूमिंग। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर एक स्मॉल क्वांटिटीज बाय करेंगे कि अगर वो चीज़ जो हम लोग सोच रहे हैं वो फुलफिल होती है तो हमारे ज़्यादा लॉस ना हो और हम बॉटम पे और एक्स्ट्रा क्वांटिटीज एड ऑन कर सकें। ठीक है, इस तरीके से प्ले होता है अगर कोई स्विंग ट्रेडर ट्रेड लेता है, सो कीप इट दैट इन माइंड। सो मेरे हिसाब से कोई भी इंट्राडे के लिए स्टॉक आज मैंने सजेस्ट नहीं करे अदर देन TCS, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पहला वाला जो छोटा सा टारगेट था वो इंट्राडे काम कर सकता है, अदरवाइज ऊपर के दो टारगेट एज अ स्विंग ट्रेड है। सो बात करते हैं अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे, कौन सा इंडिकेटर मैं यूज कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट एक फॉल कर सकती है, बट हम श्योरिटी के साथ नहीं है, जब तक मार्केट ऊपर जा रही है डेफिनेटली वी विल फॉलो। सो इसके अलावा ऑप्शन डाटा एंड FIR डाटा के बारे में बात करता हूँ। डेफिनेटली गाइस वीडियो लंबी हो रही है बट इतना कुछ सीखने को आपको मिल रहा है, हर दिन आपको आधे घंटे के अंदर इतना कुछ सीखने को मिलता है जो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट में हेल्प करता होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो चलते हैं अपने निफ्टी की ट्रेड सेटअप। सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है एंड यहाँ पे मैं ज्यादातर एक्सप्लेन नहीं करूंगा डेली चार्ट पे, बट आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिएगा इसने एक फॉल करा था, अपने टॉप से फॉल करा, छोटा सा पुल बैक दिया, फिर एक शार्प फॉल आई, दोबारा एक पुल बैक दिया, एक गिरावट आई। अपने देखना नहीं, इस रेंज का इसने ब्रेक डाउन भी दिया था एक कैंडल ने, बट दोबारा ऊपर चला गया और रेंज के अंदर आ गया, तो यानी कि दिस इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये ऊपर तो चला गया, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल हर्डल्स हैं एट दिस पर्टिकुलर लेवल, लेट मी शो यू। ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं आप लोगों को ना छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा दूंगा कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं। सो एक सेकेंड, ओके, मैं इस लेवल को यहां से यूज कर लेता हूं। सो मैंने ये ड्रॉ कर दिया है, ये एक पर्टिकुलर लेवल होगा जो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह काम करेगा, अगर ये ब्रेकआउट देता है और तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग हर्डल और आएगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअल में बाय कहाँ पर करना है। यस गाइस, वो थोड़ा लेवल ऊपर है बट वो एक सेफ्टी लेवल है। ठीक है, बिकॉज इस बात को याद रखना, अभी लोअर लोज लोअर हाईज बन रहे हैं, अभी इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद भी अपने इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा, तो जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होगा मेरे लिए ट्रेड सेटअप जनरेट नहीं होगा ऑन निफ्टी, क्योंकि कुछ इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं कि ये गिरावट आ सकती है, वो पुराना वाला सिनेरियो दोबारा रिपीट हो सकता है। सो लेट मी शो यू, DXY US डॉलर करेंसी का इंडेक्स होता है ये, और ये हमारी मार्केट से इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि अगर DXY बढ़ता है तो हमारी मार्केट गिरती है, ये माना जाता है। ठीक है, और ये नहीं कि हर दिन का होता है, मतलब ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, 3 महीने 6 महीने के पर्पस है। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा इसने एक ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, ये देख रहे हैं, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया एंड 95 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 95 रुपीज का एक ब्रेकडाउन आया था जो कि जुलाई में आया था, 23rd of July पे इस पर एक ब्रेकडाउन आया था और तब से ये ऑलमोस्ट 90 रुपीज तक भी गिर गया था। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि 90 रुपीज है क्या, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। ठीक है, परसेंटेज वाइज तो डेफिनेटली अब इसने 95 का ब्रेकआउट दिया है। अब आपको इस बात को याद रखना है, पीछे जाते हैं हम लोग अगर, तो ये देख रहे हैं जब पहली बार इसने 95 गिरावट आने के बाद 95 को छुआ था तो एक बहुत बड़ी अपमूव आई थी जो कि इसको 102 रुपये तक ले गई थी। जब यहाँ से 102 रुपये तक गई थी ना, आपको पता होगा कि मार्केट का हाल क्या हुआ था। ये जो ये वाली बॉटम वाली कैंडल है ये 9 मार्च की है और टॉप क्या है 19 मार्च का। एक बार निफ्टी को दिखाऊं, 9 मार्च से 19 मार्च में क्या हुआ था निफ्टी को, जब ये 95 के ऊपर गया था। लेट्स चेक, ये देखिएगा, ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल ये है 9 मार्च की कैंडल जो कि 10,750 रुपये में, और इतनी बड़ी फॉल आई थी और इतनी बड़ी फॉल आने के बाद 7,500 रुपये का लेवल देखने को मिल गया था। सो गाइस डेफिनेटली अगर 95 या 96 रुपीज़ के ऊपर अगेन निकल गया तो इसकी रैली 100 रुपये तक या 101 रुपये तक स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पर हम लोग एक हैवी सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। अब इस बात को भी याद रखिएगा, इस टाइम भी जब इतनी बड़ी फॉल आई थी, जब वो 96 के ऊपर निकला था, तब भी मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल पास थी और तब भी ये लोअर लो बना रही थी, देख रहे हो, ये लोअर लो बना रही थी और एग्जैक्टली अभी भी मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे है और यहाँ पर भी एक लोअर लो बन रहा है। तो मेरे हिसाब से प्लीज बी कॉशियस, जब तक अपना लोअर लो का सिस्टम को ब्रेक नहीं करता अदरवाइज ट्रेड नहीं करना। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ दूसरा केस जो कि इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स अगर जैसे ये 20 रुपीज के ऊपर निकल गया तो हम लोग एक बहुत बड़ी अपमूव दे सकते हैं। ये देख रहे हैं जब ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी अपमूव आई थी, ये ऑलमोस्ट 20 रुपीज से 84 रुपीज तक हो गया था। और ये डेट कौन सी है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डेट है 28 फेब,
यानी कि मैं अगर 20 को आया था, ये 20 लेवल पे आया था 9 मार्च को, 9 मार्च से अगर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24 मार्च तक जब ये बढ़ा था, DXY बढ़ता, अगर ये दोनों साथ में बढ़ने लग जाए तो मार्केट, हमारी इंडियन मार्केट पे एक हैवी सेलिंग प्रेशर आ सकता है और नेगेटिव रिवर्स की वजह से वहां पर मार्केट हमारी फॉल कर सकती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सो 17,000 लेट्स चेक अगेन निफ्टी एज वेल। सो लेवल हमें कहां पर बाय करना है, हमें बाय तभी करना है जब निफ्टी अपने एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर निकलेगी जो कि 18,350 रुपीज का लेवल है। जब निकलेगा तो ये हमारे लिए बाय सेटअप जनरेट होगा और उस पर एक बात जरूर याद रखना, अगर जब वो ब्रेकआउट देगा तो RSI बियरिश डाइवर्जेंस ना बना रही हो, क्योंकि पहले एक बार पास्ट में मैंने साथ में ये हो चुका है, RSI बियरिश डाइवर्जेंस बना रही थी, बट निफ्टी के चार्ट सेटअप पे हम लोग देख रहे थे कि जो डाउन ट्रेंड चैनल था वो बदल के बुलिश हो गया था, बट आफ्टर दैट एक हेवी सेलिंग प्रेशर आया था। तो इस पे भी कंफ्यूज मत होना, इस टाइम निफ्टी को RSI के साथ कंपेयर करते रहा। अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे है, निफ्टी तो अच्छा कर रहा था कि लोअर लो बनाने के बाद रिकवर तक तो कर गया था ना, बट बैंक निफ्टी अभी तक रिकवर नहीं कर रहा, एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे है और इसने ब्रेकडाउन दे चुका है और ब्रेकडाउन देने के बाद अगली कैंडल भी नीचे ही क्लोज हुई है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी थोड़ा सा माइनरली वीक होने वाला है अकॉर्डिंग टू निफ्टी, बट बैंक निफ्टी हैज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो करना क्या है, मेरे हिसाब से हमें बाय तभी करना होगा बैंक निफ्टी को जब ये 39,080 रुपीज के ऊपर निकलेगा। 39,000 पे हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव होंगे अभी, तो 39,080 जैसे ही आएगा या 100 लेवल जैसे ही आएगा तो वो कॉल राइटर्स को प्रॉफिट में से लॉसेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, देन डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। इस बात को याद रखना, सेल साइड नहीं करना आफ्टर, अगर जब तक हमें गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। एक बार ओपन इंटरेस्ट का डाटा दिखा देता हूँ एंड फिर FII के डाटा के साथ एंड करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग FII का डाटा ही देख लेते हैं। तो कॉल पे बाइंग हुई है 1 लाख क्वांटिटीज की और पुट पे बाइंग हुई है 2.5 लाख क्वांटिटीज की। तो सेम स्ट्रक्चर है जो हम लोग पास्ट 2 हफ्तों से देखते हुए आ रहे हैं कि वो लोगों ने ऑप्शन ट्रेड के अंदर एक बियरिश सेंटीमेंट है उनका। इसके अलावा उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर 21 करोड़ का बाय करा हुआ है, स्टॉक्स भी इतने टाइम बाद उन्होंने बाय करे हैं एंड DIS ने भी बाय करा है, तो ओवरऑल दोनों ने बाय पोजीशन बनाई है। अब आप देखेंगे तो बहुत टाइम से FIIs सेलिंग प्रेशर बनाए जा रहे हैं, तो DXY का मतलब है, DXY का ये है कि अगर DXY ऊपर जा रहा होता है तो फॉरेन मार्केट में जितने भी लोग होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका जो कंट्रोल है मतलब इंडियन मार्केट के अंदर, वो लूज होना स्टार्ट एंड उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू इंडिया US पे, तो इसकी वजह से वो लोग अपने पैसे को निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से हम लोग देख रहे थे बहुत टाइम से जब DXY बढ़ रहा था तो मार्केट से पैसा निकल रहा था। डेफिनेटली शायद एक टर्न अराउंड आ सकते क्योंकि उन्होंने बाय सेटअप करा, बट ये 1 या 2 दिन का हो सकता है, उसके बाद दोबारा सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। सो मैं FII के डाटा पे अभी भरोसा नहीं करने वाला, एक बार ओपन इंटरेस्ट का डाटा ही चेक कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे अगर आप देखेंगे तो कॉल और पुट चेंज बिल्कुल 1:2 का है, मतलब पुट चेंज 24 मिलियन है तो कॉल चेंज 11 मिलियन है, तो यानी कि पुट राइटर ज़्यादा एक्टिव है। अब निफ्टी के अंदर पुट राइटर एक्टिव है 18,000 के अंदर, हैवी पुट राइटिंग है, ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन की पुट राइटिंग एक्टिव है। सो यानी कि 18,000 का लेवल शायद ब्रेक ना हो, बट अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है और कंटिन्यूस बेसिस पे वो नीचे जा रहा होता और 18,000 का लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है तो एक हैवी सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट। अदर देन दैट आप देखेंगे तो हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव है 18,500 और 18,300 के अंदर, हमें बाय करना 18,350 के ऊपर, क्योंकि ये जितने भी कॉल राइटर्स हैं ना, जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, हल्के ऊपर जाना या हल्के नीचे भी आएगी ना, इस रेंज बाउंड में रहेगी, तो जितने भी कॉल राइटर्स हैं ये सब लोग आगे की तरफ पुश करेंगे और 18,300 की तरफ पोजिशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें तभी बाय करना है जब 18,350 टूटेगा, कि जो 18,300 पे जितने लोगों ने भी बाय करा हुआ है वहाँ पर लोगों को लॉसेज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो इस बात को याद रखना। इसके अलावा बैंक निफ्टी को अगर हम लोग चेक करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हैवी पुट राइटिंग है 38,500 के अंदर, जो कि अभी वहाँ से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऊपर है बैंक निफ्टी, और हैवी कॉल राइटर 39,000 और 39,500, तो यानी कि बैंक निफ्टी की ज़्यादा अप मूव एक्सपेक्टेड नहीं है ना, ज़्यादा डाउन मूव एक्सपेक्टेड है। अगर ये ब्रेक गैप अप और गैप डाउन नहीं देता तो अगर कल इसी 50-100 रुपए के आसपास खुलता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर बड़ा गैप डाउन या गैप अप खुलता है तो ये पूरा चार्ट पैटर्न या ओपन इंटरेस्ट का डाटा चेंज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको गाइज ये सेशन हमारा पसंद आया होगा, आप लोगों ने कुछ भी आज नया सीखा होगा, प्लीज इंप्लीमेंट दैट इन योर स्टॉक मार्केट जर्नी, और टेक्निकल एनालिसिस को इसी की तरह सीखो गाइज, आप डेफिनेटली मास्टर कर लोगे। थैंक यू गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत मेहनत से बनाई जाती है वीडियोस आप लोगों के लिए एक एक चीज को देख देख के। प्लस कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताइएगा अपने टेस्टिमोनियल्स, अपने रिव्यूज दीजिएगा कि हम लोग कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमारी एनालिसिस आपको कैसी लग रही है। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, बाय।